हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री लेसन 4, रासायनिक वलगत की। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस को सॉल्व कराएंगे, ठीक है? तो उससे पहले आप हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर अगर नई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल। स्टडी सक्सेसफुल चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से बोल रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट नोट्स सभी इसी पर मिलते रहेंगे जी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हो? अभिक्रिया का वेग क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन 2006 में आया है और 13 में आया हुआ आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले जो परिवर्तन होता है, किसी उत्पाद या सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग होता है dx/dt। इन्होंने लिखा नहीं है, dx/dt। अभिक्रिया का वेग हो जाएगा dx/dt, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, बट इन्होंने हिंदी में लिखा है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन dx और परिवर्तन में लगा समय dt। तो के फार्मूला क्या बन जाएगा? dx/dt। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट पूछा गया था एग्जाम में, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? किसी तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 5 और 9 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया ए प्लस बी मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, इसके पश्चात अभिक्रिया का वेग क्या होता है? dx/dt। प्रपोजलर किसके समानुपाती है? ए के और बी के, या आप ऐसे बोल सकते हो, जब हम इसका कॉन्स्टेंट प्रपोजलर को सिंबल को हटाओगे तो आप पा जाओगे यहाँ पर स्थिरांक। फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट, इसमें बोलते हैं स्थिरांक, वेग स्थिरांक जो भी आप बोलो, फिजिक्स में बोलते हैं स्थिरांक, सॉरी फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में बोलते हैं स्थिरांक। तो इस प्रकार से यहाँ पर के हमारा क्या है? एक वेग स्थिरांक हो जाएगा, और ए और वी यहाँ पर एक उत्पाद बन जाएंगे। फिर जहाँ पर के क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है के एक वेग स्थिरांक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर ए बराबर हम यहाँ पर 1 मोलर कर दें, बी बराबर ही 1 मोलर कर दें, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा? के निकल के आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 = 1 ही होता है। इस प्रकार से यहाँ पर के आ जाएगा निकल के। अभिकारकों की एकांक मोलर सांद्रता पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, इसीलिए वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। याद कर लीजिए, इसको विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है,
अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है जी? अभिक्रिया की कोटि 10 में आया है, 11 में आया है, 12 में आया है और 14 में आया है, देख सकते हो आप लोग। किसी अभिक्रिया की वेग समीकरण में उपस्थित कोई अभिक्रिया है, उसकी जो वेग समीकरण है उसमें उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग, सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप सिंपल वे में लिख दोगे, या ऐसे भी कह सकते हो किसी अभिक्रिया की कोटि उसमें भाग लेने वाले उन अभिकारकों की संख्या है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करती है, ऐसे भी बोल सकते हो डेफिनेशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो 18, 19, 14, 12 में ये पूछा गया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आप ऐसे कह सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसकी घातों का योग सांद्रता पदों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है H2 और Cl2, Cl2 एरो 2HCl। तो यहाँ पर एच न्यू जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की ऊर्जा होती है, फोटॉन की ऊर्जा होती है, उसकी प्रेजेंटेशन में हमने इसको कराया, तो इस प्रकार से ये HCl बन के तैयार हो गया। अब क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है जी? सॉरी, मात्रक पूछा है, मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा? के बराबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा X/T। एक्स का मात्रक क्या है? मोल प्रति लीटर। और टी का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो इस प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या निकल के आ जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या बोल सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जैसा आप लिखना चाहो, ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है, सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला है आवासीय छद्म एकाणु अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक से अधिक हो उसको आवासीय एकाणु अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये, जिसकी आणविकता एक से अधिक हो। अब आप सोचोगे सर आणविकता क्या है? आणविकता को अभी हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, आप लोग क्लास के साथ बने रहिए। ठीक है जी, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने बोला है हमारे पास कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन अगर हम करते हैं तो हमारे एकाणु अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए CH3 C2O C2H5 हो गया, प्लस H2O हो गया, इसका H प्लस की प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया अम्ल की प्रेजेंटेशन में मैंने इसको रिएक्शंस कराया तो हमारे पास एसिटिक अम्ल बन गया। और ये क्या बन गया? इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, सॉरी एथिल एल्कोहल, C2H5 एथिल OH मतलब एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जो शराब के नाम से भी जानी जाती है। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि इस अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर नहीं। अतः इस अभिक्रिया की कोटि 1 और आणविकता 2 होगी। आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि बताइए। इस अभिक्रिया की क्या कोटि हो सकती है इसको बताने को हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि इस अभिक्रिया का वेग केवल N2O5 की सांद्रता 1 घात पर निर्भर करती है, अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसे, इसको समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए N2O5 यहाँ पर दे रखा है, तो इसको जब आप रिएक्शंस कराओगे तो 2NO2 प्लस 1/2O2। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको देखे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे यहाँ 2 लगाया तो इसका मतलब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कैसे, N2O5 जो होता है ना, N2O5 इधर देख लीजिए, सांद्रता पदों की घातों पर निर्भर करता है, इसका जो वेग है वो सांद्रता पदों की घातों पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, सिंपल सा वे है ना जी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि कारण सहित लिखिए। इसका कारण हमें बताना है, इसकी कोटि भी बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो 16 में आया हुआ है जी।
टू एफ ई सी एल थ्री प्लस एस एन सी एल टू एरो टू एफ ई सी एल टू प्लस एस एन सी एल फोर को, बताइए इसकी कोटि क्या हो जाएगी। ठीक है, तो कोटि प्रयोगों द्वारा यह निर्धारण किया गया है कि उपरोक्त अभिक्रिया की कोटि तीन है। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कैसे कितना है, तीन है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल्स टू के एफ ई सी एल थ्री का पावर टू और यहाँ पर एस एन सी एल टू। तो यहाँ पर जो पावर है, ये पावर जो दो आणविकता है इसकी, है ना, तो वो दो आणविकता है वो दो हो गई। ये आणविकता को हमने पावर बना दिया तो ये दो हो गई और एक इसका हो गया, तो दो प्लस वन बराबर कितना हो गया, तीन। इस प्रकार से इसकी कोटि निकल के आ गई तीन। सिंपल सा तरीका है, आपके समझ में आ गया होगा। अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। 14, 18 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये वाला फार्मूला मैं इसी क्लास में डिस्कस करूंगा, सो आपसे कह रहा हूँ उसके साथ बने रहिए, लास्ट में इसी वाले क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो टी के बराबर 1/t होता है, तो 1/t मतलब 1/t का मतलब सेकेंड, तो आप बोल सकते हो कि सुप्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लेकर आए, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल को मत ध्यान दीजिए आप लोग, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए। किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक निम्न सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर, मोल प्रति लीटर एन माइनस वन भी हो सकता है, जहां एन एक अभिक्रिया की कोटि है और प्रथम कोटि के लिए एन बराबर वन लगाओगे, द्वितीय कोटि के लिए एन बराबर दो लगाओगे और शून्य कोटि के लिए एन बराबर कितना लगा दोगे, जीरो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको इसे अच्छे से याद करना है। अगला है, तापीय गुणांक क्या है इसको समझाइए। तापीय गुणांक क्या होता है इसको समझाइए जी, तापीय गुणांक क्या है इसको समझते हैं अच्छे से। 10 डिग्री सेल्सियस अंतर से, डिफ्रेंस से, दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, तो वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक क्या हो जाएगा, टी प्लस 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री को जोड़ रहे हैं सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान, बटे में क्या लिखोगे, बटों में लिखोगे टी डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान, मतलब ऊपर 10% बढ़ा के और नीचे 10% उसमें से कम करके। जैसे मान लो टी है तो टी लिखेंगे, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना है, इस बीच पर न्यूमेरिकल कराएंगे हम, अगले पार्ट में न्यूमेरिकल लेकर आने वाले हैं। ठीक है, इसका मान प्रायः 2 या 3 के बीच आता है, अधिकांश अभिक्रियाओं में ताप 10 डिग्री सेल्सियस कर देने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुणा तक बढ़ जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जी। निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि बताइए और कारण सहित बताइए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। तो प्रयोग द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि इस अभिक्रिया का वेग H2 एवं Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अतः ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसकी घातों का योग सांद्रता पदों की घातों पर निर्भर नहीं करता है। तो आप कह सकते हो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, देखते ही आप इसे हल कर सकते हो, बस क्वेश्चंस को देखा और आपने सॉल्व कर दिया विद इन सेकेंड में, वो कहलाती है महानता जी। अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिखिए। किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा, यह आया था आणविकता क्या होती है, अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ अच्छे से। किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, मतलब जिसमें उतने अणु भाग ले रहे हैं उस अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया को उसकी आणविकता कहते हैं। ठीक है सी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस क्या है जी, अगला है, अभिक्रिया की तक्षणिक
दर को परिभाषित कीजिए। किसी दिए गए क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित ताप निश्चित समय टी पर तात्क्षणिक वेग एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की मोलरता में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया के औसत वेग से आप क्या समझते हो। औसत वेग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप लोग जी। किसी निश्चित समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में औसत परिवर्तन अभिक्रिया के औसत वेग के बराबर होता है। तो औसत वेग बराबर क्या फार्मूला लिखकर के आएगा, औसत वेग बराबर मोलर सांद्रता में विलयन में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सर, आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी सन में आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना जी, तैयार करा दूंगा मैं इसी क्लास में, ध्यान से आपको क्लास देखना है। अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वो सदैव पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, किसी भी मतलब जो आणविकता होती है अभिक्रिया की वो शून्य नहीं होती है। बट क्या होता है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो तो शून्य हो सकती है। इस प्रकार से इसके हम डिफरेंस बता रहे हैं आप लोगों के लिए जी। किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अगला है, अभिक्रिया के किसी पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि उन अभिकारकों की संख्या को कहते हैं जो उनकी सांद्रता पदों सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं। आप कह सकते हो सांद्रता पदों पर निर्भर करती हैं, जैसा आपको समझ में आए, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर है पांचवा पॉइंट, ये आपको हेडिंग करके लिखना है, अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक अभिधारणा है, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। वो सैद्धांतिक अभिधारणा है, और जब अभिक्रिया की कोटि होती है ना वो एक प्रायोगिक मान होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक व्यंजक एक उदाहरण सहित इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। तो देख लीजिए यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं जी। तो एक मिनट, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है लेकिन दोबारा से रिवीजन कराना हूँ क्योंकि 14, 19, 12 में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभिक्रिया ए बनाती है उत्पाद के लिए, तो अभिक्रिया का वेग होगा dx अपॉन dt इजिकल्स टू k, और यहाँ पर a की पावर 0 क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, a की पावर 0 कर सकते हो जैसा आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 एवं Cl2 की क्रिया से HCl का बनना इस शून्य कोटि अभिक्रिया का इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, सो आपको अच्छे से इसे याद करना पड़ेगा। याद करना क्या पड़ेगा, मैं यहीं करा देता हूँ, H2 प्लस Cl2 एरो मिलकर बनाया 2HCl, ठीक है, इसको याद कर लीजिए जी जी। अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये कॉपी से लिया है, मैंने ये खुद सॉल्व किया है ना। अगर आपको क्योंकि बुक में अच्छे से नहीं दिया था और बुक की लैंग्वेज आप लोगों के समझ में भी नहीं आती, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं अपनी कॉपी से इसको आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश करूँ। जैसे मान लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें वेग स्थिरांक का फॉर्मूला ज्ञात करना है, तो माना एक अभिक्रिया क्या लिखोगे आप लोग,
लिखोगे माना एक अभिक्रिया इस प्रकार है, जैसे ए से कोई प्रोडक्ट बन गया पी, तो आप यहाँ पर लिख दोगे पी प्रोडक्ट बन गया, पी जहाँ पर क्या है पी वहाँ पर एक उत्पाद है। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है जी, अभिक्रिया की दर होती है डी ए, तो क्योंकि यहाँ पर एक्स होता तो एक्स लिखते, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का के, और ए की पावर जीरो मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जी। क्योंकि किसी भी संख्या की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, उसकी पावर जीरो का मतलब होता है उसका मान वन होगा। तो जब मैंने यहाँ पर वन कर दिया तो डी ए अपॉन डी टी बराबर कितना निकल के आ जाएगा माइनस का के। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इस वाली चीज़ को उठाकर जी क्या करना है, इस चीज़ को उधर ले जाइए, तो डी ए बराबर माइनस का के डी टी। अब इस प्रकार से आपके समझ में आ गया, ये माइनस चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे इधर की ओर भेज देंगे, ये वाले चिन्ह के लिए है ना, इधर की ओर जैसे ही भेज दोगे फिर क्या हो जाएगा, आपके पास एक समीकरण निकल के आ जाएगी, ये समीकरण निकल के आ जाएगी, तो आप समीकरण वन मान सकते हो, जो आपकी मर्जी हो मान सकते हो। फिर इसका हम क्या कर देंगे समाकलन, समाकलन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो क्लास ट्वेल्थ का मैथ पढ़ लीजिए, उसमें समाकलन पढ़ने को आपको मिलेगा, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ रहे हो तब, अगर आप बायोलॉजी से हो तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है समाकलन का, समाकलन का मतलब है जैसे मान लो यहाँ पर डी लगा हुआ है तो उस डी को आप हटा दोगे, ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री में आप ऐसे ही समझोगे इस चीज़ के लिए, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इसको इस सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर के, क्योंकि के यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का हम इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको आप बाहर की ओर कर देते हो, ठीक है, यहाँ पर वन बच गया, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन का मान लीजिए यहाँ पर टी है होता तो टी लिख देते, मान लीजिए यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिखोगे, और प्लस सी यहाँ पर जरूर इंक्लूड करोगे, तो माइनस का ए ए माइनस का ए सांद्रता ऑफ ए इजिकल्स टू के टी प्लस सी, यहाँ पर सी कांस्टेंट होता है समाकलन में, ठीक है, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है देख सकते हो। समीकरण एक में अगर हम टी बराबर जीरो रखते हैं तो आपको ए सांद्रता ऑफ ए वैक सांद्रता ऑफ ए बराबर मिल जाएगा सांद्रता ऑफ ए जीरो, ए की पावर जीरो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ए नॉट बराबर के गुणे जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सी बराबर निकल के आ जाएगा हमारे पास माइनस का सांद्रता ऑफ ए टू में ए नॉट, ठीक है, फिर आपके पास क्या आ गया निकल के, सी का मान समीकरण एक में हम जैसे ही पुट आउट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, समीकरण की वैल्यू आ जाएगी, जैसे माइनस का ए बराबर के टी माइनस ए नॉट, इस सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब आपको निकालना क्या है, हमें इसका फार्मूला व्यंजक प्राप्त करना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला। तो इस प्रकार से इस के टी बराबर हमारे हो जाएगा ए नॉट माइनस ए ए है ना, फिर आपको जैसे मान लीजिए के बराबर निकालना है तो के हमारा जहाँ पर जो के है वेग स्थिरांक है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, के क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो के है ना वेग स्थिरांक का फार्मूला हो जाता है। तो के बराबर फार्मूला निकल के आ गया ए नॉट माइनस ए अपॉन टी सांद्रता ऑफ ए नॉट माइनस ए सांद्रता अपॉन टी, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक हो जाता है, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सो आप इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स की उत्पत्ति बूझ रहा है, व्युत्पत्ति कहो या उत्पत्ति कहो बात एक ही होती है, आपको प्रूव करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये भी मैं सारे क्वेश्चन सब कॉपी से कराने वाला हूँ, क्योंकि बुक में उस लैंग्वेज में मुझे नहीं मिल पा रहे थे जो आप लोगों की समझ में आए, सो मैंने कॉपी से यहाँ पर क्वेश्चन को ले लिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो
तो माना फिर से नियम तो वही है, माना ए कब के लिए इस प्रकार है, ए से कोई प्रोडक्ट पी बन जाता है जहाँ पर उत्पाद हमारा पी हो जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था पर यहाँ पर देख लीजिए, प्रारंभिक अवस्था ए है और पी बराबर जीरो है, तो टी बराबर भी यहाँ पर जीरो लगाओगे। ये फार्मूला ये सब आपको याद करना पड़ेगा ज्यों का त्यों, क्योंकि ये डेरिवेशंस है, आपको समझना पड़ेगा इसे। साम अवस्था पर ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर जब एक्स लिखोगे ना तो एक्स बरा एक्स है वो टी बरा टी पर है, टी मतलब टी पर है वो कंडीशन। तो अभिक्रिया की दर आप कैसे निकालोगे, फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया। अभिक्रिया की दर क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल्स टू माइनस का के इंटू ए। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हो अभिक्रिया की दर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमें अभिक्रिया की दर जो यहाँ पर दे रखी है ए, ए की वैल्यू लगाना है। तो सबसे हमने पहले ए की वैल्यू लगा दी, ए बराबर हमारे पास दे रखा है ए माइनस एक्स, कैपिटल ए बराबर ए माइनस एक्स आया है, मैंने यहाँ लगा दिया। ये माइनस चिन्ह को आप लोग यहाँ से इधर ले आइए, तो माइनस चिन्ह को मैंने इधर ले आया और यहाँ पर हमने दिया के, डी टी को मैं इधर ले गया। इस प्रकार से आ जाएगा माइनस का डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इजिकल्स टू के इंटू डी टी। अब इसका आप करोगे समाकलन, समाकलन करने पर इस वाली कंडीशन का क्या करोगे, समाकलन करोगे जी। तो जैसे ही आप इसका समाकलन बोले तो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स इजिकल्स टू के कंस्टेंट को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी। तो देख लीजिए वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स बराबर होता है लॉग एक्स, क्या होता है स्टूडेंट लॉग एक्स। तो लॉग एक्स होता है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे करके इसको बोलते हैं लॉग, ये केमिस्ट्री वाला लॉग है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉग, और एक्स के स्थान पर मैंने एक्स लिख दिया। लॉग एक्स और माइ बराबर के और इस टी का हो जाएगा, वन का हो जाएगा टी, और प्लस सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट हमने लिख लिया। और समीकरण एक में टी बराबर जीरो लगा दीजिए, एक्स बराबर जीरो लगा दीजिए, तो सी की वैल्यू आपको निकल के क्या जाएगी, माइनस का लॉग ए, माइनस का लॉग ए हमारी सी की वैल्यू निकल के आ गई। अब सी का मान समीकरण एक में रख दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बता रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लॉग माइनस का लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग ए। अब के टी को आप यहाँ रहने दीजिए, इस चीज़ को उठाकर इधर ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग, इसको पढ़ते हैं लॉग, ये दिख रहा है इसको लॉग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो ये लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये लॉग एम माइनस लॉग एम बराबर फार्मूला किसका होता है, लॉग एम बटे एन का, एम यहाँ पर ए है, ए हो जाएगा बटे एन, क्या है ये हमारा एन हो गया ए माइनस एक्स, ठीक है। तो के टी बराबर क्या आ जाएगा निकल के जी, के टी बराबर क्या आ जाएगा निकल के, के बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा वन अपॉन टी लॉग ए माइनस एक्स। तो ये हमारा समीकरण ए, इसको हमने ए मान लिया, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, जब हम इस केमिस्ट्री वाले लॉग से, केमिस्ट्री वाले इस वाले लॉग से हम परमानेंट लॉग, जो हमारे मैथमेटिक्स में लॉग यूज होता है, उस वाले लॉग को किसी भी कंडीशंस में चेंज करें, तो उसके लिए आप लगाओगे 2.303 लॉग बेस 10, ये इसका लॉग बेस 10 में आ जाता है, ठीक है। तो के बराबर फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा स्टूडेंट, के बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। बोलो हमें यही तो प्रूव करना था, तो समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो उपरोक्त समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का समीकरण है जी। अगर मान लीजिए ए नॉट इज इक्वल टू हम प्रारंभिक मात्रा मान लें और ए माइनस एक्स हम अंतिम मात्रा मान लें, तो आपका ये भी समीकरण बन जाता है कि के बराबर 2.303 टी अपॉन टी लॉग बेस्ड ऑन ए नॉट अपॉन ए जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया के कोटि कारण सहित लिखिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा नहीं गया है, बट इम्पॉर्टेंट है भाई, मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट इम्पॉर्टेंट है। पहला इसका आंसर हो जाएगा, प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात किया गया है कि हैवर विधि से
अमोनिया का संश्लेषण N2 एवं H2 की सांद्रता पर अभिक्रिया नहीं करता है, अतः ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो कह सकते हो अभिक्रिया का वेग dx/dt (kN2^0 और H2^0। तो इसकी जो सांद्रता पदों की घातों का योग है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया पर। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है CH3C2H5+NaOH को हमने रिएक्ट कराया, रिवर्सिबल का सिंबल लगाया, ये रिवर्सिबल कहलाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर CH3C2NA हो जाएगा प्लस C2H5OH निकल के आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या है, इस अभिक्रिया का वेग एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, क्यों क्यों द्वितीय कोटि की क्यों, यहाँ पर वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, इसकी कोटि यहाँ 1 हो जाएगा और इसकी पावर भी 1 है, तो 1+1 = कितना आ गया, 2। तो आप कह सकते हो इस प्रकार से जो इसकी जो कोटि होगी ना वो 2 आ जाएगी निकल के। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, अर्धायु। अर्धायु क्या होता है, इसको मैंने अपनी भाषा में डिस्कस किया है, अपनी किताबी लैंग्वेज नहीं, अपनी खुद की बनाई गई भाषा में। ऐसे पदार्थ कोई पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है या आधा रह जाए तो उसे उस पदार्थ की अर्धायु कहते हैं। टी हाफ से दर्शाते हैं, ये भी सीख लीजिए। और माना किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा क्या है, एनोड है, जो कि टी हाफ से घटकर एन रह जाए। तो उस कंडीशन में ये फार्मूला बनता है, क्या बनता है, N=N₀/2⁻N। इस बेस पर न्यूमेरिकल आता है, सो आपको इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, जहाँ जो N है ना वो समय है। अब अर्धायु और इसमें संबंध क्या होता है, तो T=, फार्मूला ये भी बनता है, N×T½, T=N×T½। इस बेस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं ये क्वेश्चंस। भाई ऐसे न्यूमेरिकल इस बेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पॉलिटेक्निक और SSC JEE रेलवे ग्रुप डी काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस बेस पर। अर्धायु और सामिश्रांक में क्या रिलेशंस होता है ये भी हम डिस्कस करा देते हैं आप लोगों के लिए। अर्धायु और सामिश्रांक में रिलेशंस क्या है, वेग स्थिरांक की अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, आपको पता होगा प्रथम समीकरण क्या होती है, K=2.303/T log10 A/A-X। ये मैंने अभी डिस्कस कराया है क्लास में, आप लोग इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। मान अब देखिए टी हाफ हमसे पूछा है, तो टी हाफ का मतलब हो गया T=T½ और A-X=1/2 रखने पर, जैसा ही आप इतना रखोगे ना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा विद इन सेकेंडों में। कैसे निकल के आएगा, विद इन सेकेंडों में। जैसे यहाँ पर देख लीजिए K=2.303/T½ log10 A/A-A2, ए से ए कट जाएगा, ए ऊपर पहुँच जाएगा, तो log2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब जैसे 2.303/T½ यहाँ पर लगा देंगे, हमसे पूछा है के की वैल्यू, के बराबर हम इसको बटे में लिख देंगे, इसकी आप लोग गुणा कर लेना, गुणा जैसे ही करोगे तो हमारे पास निकल के आंसर क्या जाएगा, अर्धायु और वेग स्थिरांक में संबंध का फॉर्मूला कितना होता है, ये भी क्वेश्चन इस बीच पर न्यूमेरिकल आता है, T½=0.693/K। अगला क्या है, ताप गुणांक क्या है, इसको भी आपको अच्छे से बताना है। ताप गुणांक क्या होता है जी, ये मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से बताना चाहूँगा जी। किसी अभिक्रिया के वेग 10°C अंतराल के दो तापों का वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं, इसे U0 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ताप गुणांक बराबर जैसे मान लीजिए KT है, KT+10% उसमें जोड़ दिया जाए, 10 टेम्परेचर को उसको जोड़ दिया जाए बटे में टोटल टेम्परेचर, ये मैंने बताया है जी, बिल्कुल बताया है जी। अभिक्रिया की कोटि को समझाते हुए
अभिक्रिया की कोटि को समझाते हुए, अभिक्रिया की कोटि को समझाते हुए कारण शब्द बताइए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है सी ट्वेल्व एच वाई सो ग्यारह प्लस एच टू ओ इक्वल टू सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स। एक हमारा ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। ये रिएक्शन आप इंटर क्लास में पढ़ोगे, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारे चैप्टर कराएंगे, फिर हमको ये पढ़ाने वाले हैं। अभी नहीं, सारे क्वेश्चन को मैं सिलेबस के अनुसार ही करा रहा हूँ, 30% कमी के साथ ही। तो इस अभिक्रिया की रसायन समीकरण मितीय के अनुसार अभिकारकों के दो अणु रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त हैं, परंतु अभिक्रिया का वेग केवल सरकरा सी ट्वेल्व एच सिक्स सॉरी सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अर्थात आप की कह सकते हो इसके फलस्वरूप केवल सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह की सांद्रता में परिवर्तन होता है। इस अभिक्रिया में जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि अभिक्रिया के दौरान जल की सांद्रता में कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। अतः अभिक्रिया को छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया का वेग के बराबर कितना होता है देख लीजिए। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो अभिक्रिया हो जाएगी ना, अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, के बराबर अभिक्रिया का वेग डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ अलेवन, ये इसका राइट हो जाएगा आंसर। जी स्टूडेंट, तो हम आगे की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो लगातार 3-4 साल से रेगुलर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, लगातार 3-4 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में हम बहुविकल्पीय की दृष्टि से देखने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो बहुविकल्पीय होते हैं वो भी आपके पेपर में ज्यों के त्यों आ जाते हैं, ये तो आते ही हैं, इसमें याद करने वाली क्या बात है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक होता है सेकेंड। मैंने ये करा दिया है आपकी क्लास में, अगर अच्छे से मेरी क्लास को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, इसी क्लास में मैंने बताया है। अगला क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु और में संबंध बताइए, ये भी मैंने अभी हल कराया है आप लोगों को क्लास में। अगर आप क्लास में जुड़े हुए हो, पूरी वीडियो को वॉच किया है, तो आपको इसका आंसर पता होगा, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। जी अगला क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, मैंने सारे क्वेश्चन से करा दिए, बट ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से आएंगे आप लोगों को मतलब बहकाने के लिए है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोल प्रति लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है, इसी क्लास में कराया है, आप देख सकते हो कितनी बार आया है ना जी। अगला है, ये नहीं कराया है, डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती ए की पावर जीरो की कोटि है, क्या है, शून्य कोटि है। बट आप कैसे कह सकते हो कि ये जो अभिक्रिया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसकी पावर जीरो है, तो आप वैसे ही समझ सकते हो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना। निम्नलिखित अभिक्रिया में शून्य कोटि की अभिक्रिया है, 2009 में ये क्वेश्चन बना हुआ था। शून्य कोटि की अभिक्रिया मैंने बताया, जो जल जो सूर्य की प्रकाश में जो अभिक्रिया होगी एच टू प्लस सी एल टू एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एच न्यू इजिकल्स टू टू एस सी एल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने इसी क्लास में डिस्कस कराया है और इसको मैंने प्रूफ भी कराया है। अगर जिस किसी ने पूरा वीडियो वॉच किया होगा उसको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, तो वो बता देंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। 12, 14, 18 और 19 में भी भूजन और 21 में भी आने वाला है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि टी हाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सही हो जाएगा, 17 और 7 और 18 में क्वेश्चन बना हुआ था, देख सकते हो स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आप लोग सोचोगे सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो ये वाला तो नहीं हो, गलत सोच रहे हो आप। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हो जाएगा टी हाफ जो होता है ना, टी हाफ क्या, टी हाफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ
प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर जीरो के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, सो हमें यहाँ पर मिल गया। एकाशीय विकिरणीय सॉरी एकाभसी सॉरी आभासीय एकाणु अभिक्रिय कौन सी है, ये वाला भी मैंने करा दिया है, क्लास में ही कराया है, आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छे सुनना आया होगा। सी एस थ्री सी डबल ओ सी एस थ्री प्लस एच टू ओ एरो बनाता है सी एस थ्री सी डबल ओ प्लस सी एस थ्री ओ एच, क्या होता है कभी कभी यहाँ एथल एल्कोहल भी बन जाता है, एथल एल्कोहल, तो यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं जी। अगला एक दाब सॉरी एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया के वेग में बोले तो डी एक्स अपॉन डी टी, वो किस पर निर्भर करता है, वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, किसी भी अभिक्रिया की ताप पर निर्भर करता है जी, ठीक है ना। ठीक है अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रण m गुना घटाया जाता है, तो इसके लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, इसमें आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें आयतन 9m गुना बढ़ जाएगा, m गुना बढ़ जाएगा घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्वेश्चंस मैंने 12 क्वेश्चंस है ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चंस का कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच कौन करता है, और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, ठीक है जी। अगला है वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर, जब वेग स्थिरांक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वही वेग स्थिरांक का टेम्परेचर बढ़ाने पर तो ताप बढ़ेगा, जो बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, वेग स्थिरांक, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। अगला है यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करा के बताने वाला हूँ। देखिए एक अभिक्रिया है ए प्लस टू बी उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक आर बराबर ए और ए की पावर यहाँ वन है और वी की पावर टू है द्वारा पृथक किया था, अभिक्रिया की कोटि बताइए। आप इसको देखते ही हल कर सकते हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का, देखिए कैसे करोगे। आपको पता है यहाँ पर आर बराबर हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में ही। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर दो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसकी पावर वन है और इसकी पावर दो है, तो वन प्लस दो को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तीन। हमसे पूछा है अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, तीन हो जाएगी। समझ में आ गया ना, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा इसका टाइप अलग है जी। किसी अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया दे रखी है, ये 19वें क्वेश्चन बना हुआ था, आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अभिक्रिया ए से बी में अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण चार गुना बढ़ाने पर दो गुना बढ़ जाती है ना, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दो हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। वेग समीकरण के अनुसार अगर हम बात करें तो वेग समीकरण क्या कहती है, वेग समीकरण ये कहती है जब मान लो किसी भी अभिक्रिया की दर है वो समानुपाती होती है सांद्र पदों की घातों के योग के, है ना, सी की पावर एन के। अब देखिए एन बराबर घाती, एन बराबर जो है वो अभिक्रिया की कोटि होता है। अब टू यहाँ पर दे रखा है, टू की पावर आर समानुपाती फोर, और सी एन की होल पावर, सी की होल पावर एन, सॉरी सी और ब्रैकेट के अंदर होल पावर एन, तो आर की टू की पावर आर और ये समानुपाती का सिंबल है, तो ये दो का आप कर सकते हो स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये दो का मैंने स्क्वायर कर दिया है, तो एन बराबर बेटा यहाँ पर निकल कितना आ गया, दो। तो इस प्रकार आप कह सकते हो जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो दो हो जाएगी, आपको दिख रहा है ऑलरेडी। और यहाँ पर एक चीज़ आप सीख लीजिए, वो पूछ रहा है आर की दर कितनी हो जाएगी, आर की, तो यहाँ पर 2 की पावर r है ना, इसकी हम तुलना करा देंगे, जैसे ही तुलना कराओगे तो r बराबर भी आपका 2 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों को आपको पता होना चाहिए फार्मूला, इस पर ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हो कि 1 t half का लगभग 1.1 गुना जो समय होगा वो टी हाफ का लगभग 1.1 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए किसी अभिक्रिया का अर्धायु वह काल है जिसमें कोई अभिक्रिया 50% पूरी हो सकती है, अर्थात अभिकारक पदार्थों के प्रारंभिक सांद्रण का आधा उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसे टी आप या टी 50 द्वारा प्रतिनिरूपित किया जा सकता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए औसत मान लगभग 50% हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 1/k निकल के आ जाएगा। वेग स्थिरांक की अगर हम बात करें, जी तो वेग स्थिरांक की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर 1/k, और टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं, अच्छा, जी सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दी। यहाँ पर आप बोलोगे कि लैम्डा बराबर टी हाफ बटे 0.693, तो इसकी वैल्यू 144 निकल के आ जाएगी, 1.44 t half निकल के आ जाएगी। अब आपको देखना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 50% पूरा होने में जो समय लगेगा कितना हो जाएगा, टी हाफ का 1.1 गुना हो जाएगा, 1.1 गुना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का पूछा गया है, ठीक है ना जी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु टी मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूरी हो जाएगी, भाई 40 मिनट में अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको सॉल्यूशन भी आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया, न्यूमेरिकल की क्लास मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा जिसमें सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कितना है यहाँ पर 4 दे रखा है, तो 0.173, तो इसको काट देना, 0.173 आपका निकल के आ जाएगा सिंपल वे में। तो अब वो हमसे बोल रहे हैं 99% में, तो इस प्रकार जैसे यहाँ ए बराबर आप 100 मानोगे तो 100 - 99.9, तो इसको आप समझ में आता ही होगा। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो इसका जो समय होगा ना टी 99.9, तो 2.303 अपॉन टी हाफ की वैल्यू 0.173 × 3, जब इसको इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका लगभग 39.9999, तो आप कह सकते हो यहाँ पर लगभग जो 40 मिनट में वह अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40 मिनट। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशंस और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कर दें, है ना। अगर आप इसका PDF चाहते हो कि मुझे इन क्वेश्चनों का PDF मिले, तो इस क्वेश्चंस का PDF मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, है ना। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन और सारा PDF मैं वहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। तो आज की बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, इस क्लास को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई फ्रेंड्स एंड माई स्टूडेंट।